तो स्वागत है फिर से एक नए एडवेंचर में। और मैं आज रात को पोखरा आ गया हूँ। रात को 3 बजे तक मैंने साइकिल राइड की, क्योंकि मुझे आज सुबह तक किसी भी हालत में पहुँचना था पोखरा। इस वजह से मैंने राइड की रात में। लाइट भी कर ले कर मैंने टॉर्च कर दिया, और इसके बाद राइड की। और राइड करके मैं फाइनली 3 बजे पोखरा आया। पोखरा आने के बाद मैं होटल लिया। होटल लेने के बाद अब रेस्ट कर लिया हूँ। 8:30 हो रहा है, अब निकलना चाहता हूँ, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम है। मैं मुश्किल से आज और कल पोखरा को, 2 दिन पोखरा को देना चाहता हूँ, ताकि मतलब 2 दिन में मैं पूरा कंप्लीट कर दूँ, और फिर उसके बाद आगे का डेस्टिनेशन देखा जाएगा कि कैसा होता है कैसा नहीं। फिर मतलब चलते हैं, आज घूमते हैं, देखते हैं बाहर का नज़ारा कैसा रहता है पोखरा का। और मैं आप लोग को रूम का नज़ारा दिखाता हूँ अपना। ये रहा भाई साहब रूम मेरा। लाइट नहीं है, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो ठीक है, चलते हैं। टाटा बाय बाय। और ये है यहाँ का एयरपोर्ट। फाइनली मैं फेवालिक आ गया हूँ, और मतलब अच्छा नज़ारा है। और यहाँ की सिटी देख के बहुत ही दिल खुश हो भाई साहब। मतलब इतना साफ़ सुथरा, इतना क्लीन सिटी। मतलब यहाँ का पॉपुलेशन भी बहुत कम है, और मतलब यहाँ का जो सफाई गंदगी कुछ नहीं, 1% नहीं है। और इंडिया में क्या होता है ना कि अगर रोड है तो आधा रोड तो ठेले वाले ही ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत ही अमेजिंग सिटी है ये। और यहाँ का नज़ारा, इसके पीछे एकदम क्लीन, बहुत साफ, मतलब अच्छे से हिमालय दिखाई दे रहा है। ये रहा फेवा लेक। अंदर करने का, अंदर एंट्री गेट कहाँ से है या बस यही लेक है ये तो हमें नहीं पता, मगर लेकिन ये भी अच्छा नज़ारा है। खाली मैं फेवा लेक के मतलब आगे से थोड़ा सा नीचे और जगह था, लेकिन यहाँ का बहुत ही शानदार नज़ारा। ये देख सकते हैं आप लोग कि बजरंग बली का ये जो है मूर्ति, बहुत ही अमेजिंग है। और यहाँ से पीछे का भी नज़ारा मस्त है। ठीक है, चलते हैं आगे, मिलते हैं भाई साहब। यहाँ की इतनी क्लीन सिटी है ये पोखरा नेपाल का, बहुत ही अमेजिंग प्लेस है ये। और मेरे पीछे का व्यू आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग जगह है ये। बहुत ही मतलब क्लीन सिटी है यहाँ पर, मतलब किसी भी प्रकार का क्राइम नहीं है। मैं अपनी साइकिल कहीं भी खड़ी करके घूमने के लिए निकल जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होता है हमें। और इंडिया में यार निकल खड़ी करके बस अपनी आँख बंद करो 2 सेकंड के लिए, गायब। यही है यार गजब। तो फाइनली मैं डेविड फॉल्स पहुँच चुका हूँ, और यहाँ पर मेरा जो साइकिल का स्टैंड था वो टूट गया, तो एक अंकल ने मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्प की यहाँ पर भी। मतलब अब क्या बताएं, इतने लोग मतलब हेल्प मतलब मतलब किसका शुक्रगुजार मानूँ, ऊपर वाले का कि अपना, अपने मतलब जो काम करूँ उसका, कुछ पता नहीं चला। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, सब ठीक ठीक करा दूंगा। और मैंने बोला कि मेरे झंडे का जो डंडा था वो टूट गया, तो मतलब एक आप डंडा दिला दो हमें कहीं से। और फिर उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको चाय भी पिला देता। तो ठीक है, आइए चलिए मिलते हैं। और आप लोग देख सकते हैं यही शहर हैं हमारे, जिन्होंने मतलब काफ़ी हेल्प की और मुझे चाय भी पिलाया। मतलब जो मेरा डंडा था वो टूट गया था, उन्होंने मतलब काफ़ी हेल्प की। मतलब यहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल है, मतलब बहुत सपोर्ट मिला यहाँ पे। मतलब यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मैं पालपा में भी था तो इतना सपोर्ट, प्यार, मतलब इतना मोहब्बत मिला कि मत पूछिए। और यहाँ पे भी पोखरा में भी आया तो सर पहली बार मतलब मिला, और मतलब ऐसे ऐसे बहुत अच्छा लगा। यहाँ के पोखरा के मतलब जो राइडर, साइकिल राइडर यहाँ के, आप लोगों से मिला देता हूँ। ये हैं मेरे भाई साहब, इनसे मिलिए। और ये राइडर हैं। नाम क्या है? मेरा नाम दीपक है यार। अच्छा दीपक, वाह। मतलब मैं रनर हूँ, वैसे साइकिल में ऐसे ही शौक से चलाता। अच्छा मतलब ये रनर हैं और साइकिल शौक से चला रही। इनकी साइकिल आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर। मतलब बहुत ही अच्छा यहाँ के, मतलब आप देख सकते हैं पीछे सभी लोगों से, मतलब सभी लोग रनर ही हैं यहाँ पर। बहुत ही अच्छा लगता है, थैंक यू। और आप लोग देख सकते हैं अंकल ने ये हमें दिलाया। और ये रहा डेविड फॉल्स का इलाका पहले का,
मैं आप लोग को अंदर से दिखाता हूँ, बहुत ही अमेजिंग व्यू है यहाँ का। और आप लोग देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में यहाँ पे भीड़ है। और ये है डेविड फॉल्स, यहाँ का नज़ारा आप लोग देख सकते होंगे। खास उतना अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी अमेजिंग व्यू है। यहाँ से कुछ नज़ारा अच्छा दिख रहा है, देख सकते हैं आप लोग। और ये देख सकते होंगे इसका मूर्ति, ये तो हमें नहीं पता, यहाँ पे लिखा भी नहीं है। ये पानी के अंदर है, पानी इसमें भरा नहीं जाता है, शायद हमेशा भरा रहता है। तो देख सकते होंगे यहाँ का नज़ारा अमेजिंग है, मस्त नज़ारा। और ये यहाँ का मार्केट है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो मार्केट है ये धार्मिक मार्केट है, यहाँ पे पूजा वजा का सामान काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, और मंदिर मंदिरों का मतलब मूर्ति उत्ती जो होता है उन सब का चीज़ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है। और यहाँ का टिकट लगता है, और मेरा टिकट नहीं लगा क्योंकि बाहर जो अंकल हमसे मिले थे उन्होंने बोला कि आपका टिकट नहीं लगा, मैं चल कर कह दे रहा हूँ। तो मेरा साइकिल अंदर खड़ी हुई है और मेरा स्टैंड भी खराब हो गया। और देख सकते हैं बगल में ही था गुप्तेश्वर गुफा, और मैं जाता हूँ अंदर एंट्री करने के लिए। यहाँ पर भी मतलब टिकट का चार्ज लगता है लेकिन मेरा नहीं लगेगा। तो मतलब अंदर का नज़ारा देखते हैं कैसा रहता है। यहाँ का मार्केट भी उतना ही शानदार, मतलब मस्त लोकेशन है यार, आप लोग देख सकते होंगे। और ये रहा एंट्री गेट, अगर आपके पास नहीं रहेगा टिकट तो आप एंट्री नहीं कर पाओगे, क्योंकि टिकट पे ये जो स्कैनर है ये स्कैन जैसे ही करेगा तभी खुलेगा गेट, नहीं तो नहीं खुलेगा। तो आप लोग समझ सकते होंगे कितना अमेजिंग और शानदार व्यू। और ये है लोकेशन उस तरह जाके अंदर गुफा में, तो चलिए चलते हैं गुफा। और काफ़ी ही अमेजिंग जगह है ये, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये रहा गुफा का गेट, आप लोग देख सकते होंगे ये गुफा का जो रास्ता है, और ये गुफा का रास्ता भाई साहब। और ये आप लोग देख सकते हैं, और ये पानी पानी गिर रहा है, मतलब काफ़ी अमेजिंग गुफा है, बहुत ही अमेजिंग। और ये गुफा देख सकते होंगे आप लोग, काफ़ी अमेजिंग गुफा है, मतलब मस्त नज़ारा, शायद उधर से पानी आ रहा है क्या आ रहा है नहीं पता। और आप लोग देख सकते होंगे ये झरने की तरह पानी नीचे गिर रहा है, और ये सब पानी है जो नीचे सब है। जैसा कि आप लोगों ने गुप्तेश्वर जी का गुफा देख लिया, काफ़ी अमेजिंग था, थकान तो हो गई क्योंकि नीचे चलना था, ऊपर से मैं हार्ट पेशेंट, काफ़ी प्रॉब्लम, पर कोई ना, उनका आशीर्वाद था, अच्छे से दर्शन हो गया। तो ठीक है, निकलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन। खाली 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की चढ़ाई है वाइट टेंपल जाने के लिए, पीछे जो ऊपर कॉर्नर साइड में दिख रहा है सबसे ऊपर, वहीं पर जाना है। बहुत बेहतरीन चढ़ाई है, समझ नहीं आ रहा है, उसी में थकान काफ़ी ज़्यादा हो गई है। वो जो दिख रहा है ना वहाँ पर जाना है भाई साहब।
पागलों की तरह चढ़ा, या तो मैं पागल हो जाऊंगा या तो कोई मुझे पागल साबित कर देगा। यहाँ के लोग यही कह रहे हैं, तुम इंडिया से भाई आ गए, मानना पड़ेगा तुम्हें। वास्तव में लोग को दिखा दें हिमालय व्यू पॉइंट एंड कैफ रैनबन रिट्रीट इलाइट कैफ, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर। और यहाँ की चढ़ाई बाप रे जान निकाल देगी लग रहा है, अभी इतना चढ़ कर आया हूँ। आप लोग देख सकते हैं पोखरा पूरी सिटी यहाँ से दिखाई दे रही है पहले। और मैं शांति स्तूपा पहुँच रहा हूँ, अभी सीढ़ी पे हूँ, काफ़ी ज़्यादा चढ़ाना हुआ। एक तो साइकिल लेकर आना, फिर उसके बाद सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना, टॉप ऑफ द फ्लोर एकदम ऊपर है, सांसें भी फूल रही हैं, फिर भी बहुत ही अमेजिंग वहाँ सा वहाँ से नज़ारे दिखेंगे। यहाँ से पोखरा पूरी सिटी दिखती है, ये है पूरा सिटी, आप लोग देख सकते होंगे वहाँ पर हवाई अड्डा। हाँ, ये है विश्व शांति स्तूपा। और भाई साहब यहाँ का नज़ारा, तो ये हिमालय का सीन। ओ भाई भाई भाई, ये जो टॉप ऑफ द फ्लोर है, अरे टॉप ऑफ द चोटी है, ये मासा फूसरे है, उसके बगल में धालागिरी, फिर ये अन्नपूर्णा, गजब अमेजिंग। और ये पोखरा सिटी, वाह क्या नज़ारे है। यहाँ का नज़ारे देख सकते हैं आप लोग, सीन काफ़ी अमेजिंग है, आंखें नहीं हट रही हैं, लग रहा निकाल के यहीं पे रख दूँ, पूरी ज़िंदगी देखते रहूँ। बहुत ही अमेजिंग। और भाई साहब ये हिमालय क्या बात है। ये संदेश तो और इधर से इधर का नज़ारा है काफ़ी अमेजिंग भाई साहब, ये आप लोग देख सकते होंगे। ओहो माइंड ब्लोइंग। और इसकी सुंदरता ये है, क्या नज़ारे हैं भाई। एक्चुअली मैं शांति स्तूपा आ गया हूँ, और वहाँ पे टॉप ऑफ द फ्लोर, और मतलब काफ़ी अच्छा लोकेशन यहाँ से दिख रहा है, और यहाँ से सारंगकोट का भी मतलब अच्छा लोकेशन दिख रहा है। यहाँ से दिख रहा है कि मतलब पैराग्लाइडिंग भी हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, दिखाते हैं आप लोग को भी। ये है पूरा पोखरा, और पोखरा के बाद ये है भाई साहब देख सकते हैं, और मैं जूम करके आप लोग को दिखा देता हूँ, ये है सारंगकोट। बहुत हल्का हल्का दिख रहा है पैराग्लाइडिंग का, मतलब शायद इसमें दिखे वहाँ पे पैराग्लाइडिंग होता, और वहाँ से मतलब माशा फुसरे का लोकेशन काफ़ी अमेजिंग है, दिखेगा। तो चलिए देखते हैं पहुँच पाते हैं कि नहीं आज। बीच रास्ते में एक अंकल मिले थे, उन्होंने हमें इनवाइट किया अपने होटल पे कुछ खाने के लिए, उन्होंने हमें इनवाइट किया था, तो वो बोले कि आप मेरा कार्ड लीजिए और जाके मेरे होटल पे कुछ खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो मतलब क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई थी, उन्होंने देख के मतलब इम्प्रेस हो गए, फिर उसके बाद बोले कि जाओ कुछ खा लो। तो यहाँ से ये जो भाई होटल है, यहाँ का लोग
कैसा मतलब दिखा रहे हैं भाई साहब, गजब नज़ारा ये होटल है। और ये रहा मेरा लंच, और लंच करने के बाद चलते हैं। और मैं अब आ गया हूँ विंध्यवासिनी टेंपल। आइए आप लोग को अंदर से हम दिखाते हैं। और आप लोग देख सकते हैं ये टेंपल भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। तो ठीक है, चलिए चढ़ के ऊपर का नज़ारा हम दिखाते हैं आप लोग को। यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, पिछ मंदिर में मैं आ चुका हूँ और काफ़ी अमेजिंग लगा। यह भी बहुत ही खूबसूरत, मतलब यहाँ की सभी मंदिरें जगह है जो मतलब ये एक मतलब टूरिज्म के हिसाब से बनाया गया है। देख रहे हैं आप सब, यहाँ से पूरा सिटी, लगभग पूरा सिटी पोखरा दिखाई दे रहा है, आप लोग देख सकते होंगे। और पीछे हिमालय है, क्या नज़ारा। ठीक है, तो मिलते हैं। यह है मंदिर के पीछे का नज़ारा, मतलब काफ़ी अच्छा दिख रहा है।